हेलो दोस्तों, आप इंडिया में रहते हैं तो ट्रेन में ज़रूर सफ़र करते होंगे, और ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो ये ज़रूर देखा होगा कि किसी के पास टिकट होते हुए भी टीटी उनसे फ़ाइन ले लेती है कोई कमी बता के। तो एक्चुअली वो कमी नहीं होता है, रियल में कमी होता ही है, और हमें देख के नहीं लगता ऐसा कि कमी है, वो हर किसी को नहीं पता लगता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी, आप भी कभी ऐसे चक्कर में ना पड़ जाए जैसे कि फ़ाइन वगैरह ले टीटी आपसे। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने हर एक बात, और हर टिकट के बारे में बात बोला है, जो टिकट पे लिखा होता है सब कुछ दिया होता है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो आज मैं वही चीज़ एक एक बात बताऊँगा टिकट को दिखा के। चलिए आप शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये एक ट्रेन है, ट्रेन का मैप है जिसका नाम है शहीद एक्सप्रेस। उस ट्रेन का जो है वो मैप दिया हुआ भी कौन कब कौन से स्टेशन पे या कौन से स्टेट वाइज ये अपने मंजिल तक पहुंचती है। तो ये अमृतसर से जयनगर तक जाती है। तो देखिए पहले अमृतसर से स्टार्ट होकर जलंधर होते हुए ये देखिए हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा में जाते ही ये न्यू दिल्ली चले जाती है। ये न्यू दिल्ली से होते हुए बरेली और इस तरह आगे लखनऊ, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अभी जो काला काला जो निशान है डॉट बने हुए हैं, इसके जरिए ये उसका मैप दिया हुआ उसका जो रास्ता है वो बता रहा है ये, ठीक है। इस तरह से ये पटना नहीं जाती है, अगर इसको जूम करेंगे तो हम पटना के पास एक हाजीपुर स्टेशन आता है तो हाजीपुर तक ही जाती है, ये पटना का नहीं है। आप थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये पटना से थोड़ा हट के है, ठीक है। तो इस तरह ये अपने जयनगर तक ये जाती है, ठीक है। तो और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी रूट में होता है लोगों को। अब देखिए ये जो दूसरा मैप है ये अमृतसर से लेके दरभंगा तक का है, और ये जननायक एक्सप्रेस का है, और ये दिल्ली होके नहीं जाती है। देख लीजिए वो जो था पहले शहीद एक्सप्रेस वो दिल्ली होके गई थी, और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली होके नहीं जाती। आप देख सकते हैं दिल्ली पे मार्किंग नहीं किया हुआ है, जो निशान है डॉट डॉट बिंदी का निशान ये दिल्ली पे नहीं किया हुआ है। ये बिंदी के निशान ये हमें दिखाती है कि ट्रेन इस रास्ते से इस जगह से होते हुए वहाँ तक दरभंगा तक जाएगी। तो इसमें न्यू दिल्ली नहीं दिया हुआ है तो न्यू दिल्ली नहीं जाएगी, और शहीद जो एक्सप्रेस है वो दिल्ली होके जाती है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क दिखाऊँगा मैं, मेरे वीडियो का पूरा देखिए। टिकट से समझते हैं, इस लाल डब्बे में जो लिखा है SRE इसका मतलब है सहारनपुर, और उसके बाद है SCC इसका नाम, इसका मतलब होता है सीतापुर कैंट। उसके बाद है MFP इसका मतलब होता है मुजफ्फरपुर स्टेशन। तो ये तीनों स्टेशन जो है, जो भी ट्रेन लुधियाना से अमृतसर समस्तीपुर की तरफ जो भी ट्रेन जाएगी और ये इन तीनों स्टेशन से होके जाए, तो उस ट्रेन का जो जर्नल का डब्बा है, ये जर्नल की बात कर रहे हैं, टिकट जो है जनरल ट्रेन की टिकट की है, तो ये सुपर फास्ट टिकट है, और जो भी ट्रेन इस रूट से जाएगी, इन तीनों रूट से जाएगी, उस ट्रेन में हम बिना फाइन के जा सकते हैं, कोई भी टीटी आपसे कोई फाइन नहीं लेगा। हाँ, और इस टिकट से आप शहीद में सफ़र करेंगे तो बिल्कुल फ़ाइन लगेगा, क्योंकि ये तीनों में से उसमें नहीं होता है, उसमें सीतापुर नहीं होगा और सहारनपुर नहीं होता, वो दिल्ली होते हुए जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा टिकट दिखाता हूँ आपको। आप देखिए ये दूसरा टिकट है जिसमें जो कि दरभंगा से लुधियाने तक का है। इस बीच में भी आप देख सकते हैं SPJ होता है समस्तीपुर, और MFP का मतलब होता है मुजफ्फरपुर, MEK मतलब होता है नरकटियागंज, और GKP का मतलब होता है गोरखपुर, SCC का मतलब होता है सीतापुर कैंट। और जैसे ये जो भी रूट लिखा हुआ ना, ये सब रूट लिखा हुआ है, हम इस रूट के अलावा किसी और रूट से नहीं जा सकते। यदि किसी और रूट से जाएंगे तो हमें फ़ाइन देना पड़ सकता है, इसीलिए जब भी आप जनरल टिकट लें सुपर फास्ट टिकट लें तो ये ज़रूर ध्यान से देख लें कि आपने कौन सा रूट दिया है। हमें उसी रूट के ट्रेन से जाना पड़ता है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रख लें। हाँ, यदि आपने दिल्ली दिया होता तो आप दिल्ली वाले रूट से जाते, पर इसमें दिल्ली नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो शहीद है ट्रेन एक शहीद है उससे यात्रा नहीं कर सकते।
मैं इसका नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ शहीद का, क्योंकि इस रूट के लोगों को बार बार इस चीज़ का परेशानी आता ही है। इसलिए बार बार मैं शहीद का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आप शहीद से यात्रा करेंगे तो वो दिल्ली होके जाएगी, और जननायक से यात्रा करेंगे तो वो दिल्ली होके नहीं जाएगी। इसलिए इस जो दिल्ली वाला रूट का ट्रेन है उससे आप दिल्ली वाले ही रूट से जा सकते हैं, दूसरे से नहीं जाएंगे। जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।